तो जय हिंद दोस्तों, आप लोगों ने स्टूडियो को क्लिक किया है क्योंकि आप लोगों को एक एप्लीकेशन चाहिए जिसकी मदद से आप अपने रनिंग की मेजरमेंट कर सकते हो। आप कितने समय में कितने भाग चुके हैं या आपका एवरेज टाइम क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हमको चाहिए होते हैं। आप लोग आर्मी भर्ती से हो या पुलिस भर्ती से हो और कोई ऐसे भी रहता है कि हर रोज़ एक्सरसाइज करता है लेकिन दौड़ता है लेकिन उसको पता नहीं चलता है कि वो कितने किलोमीटर भाग चुका है या उसको एवरेज ड्यूरेशन कितना लगा, कैलोरीज कितने गेन हुए। तो सभी के डिटेल्स मैं आज एक एप्लीकेशन के थ्रू देने वाला हूँ जिसका नाम मैंने आगे वीडियो में बताया है। तो काफ़ी गजब की ये एप्लीकेशन है और यही नहीं, आपको मैप भी वो दिखाने वाला है कि आप कौन से ट्रैक से भाग चुके हैं या कौन से ट्रैक से आप वर्कआउट कर रहे हैं। तो काफ़ी गजब का ये एप्लीकेशन है जिसको मैंने आगे वीडियो में बताया है। तो देखो वीडियो को आखिर तक देखना और पूरी जानकारी लेना इस एप्लीकेशन की, काफ़ी मजा कमाल का है और आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप उसकी मदद से जो मैंने बताया वो आप हर कोई कर सकता है। तो जो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा नाम जान लो, तो मेरा नाम है केतन और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल टेक्निकल के थ्रू। दोस्तों वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो देखिएगा गाइस, इसके लिए सिंपल से प्ले स्टोर से यह एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको, रन ट्रैकर। तो देखो यहाँ से हम इंस्टॉल करके ओपन करते हैं। मैंने इंस्टॉल करके ओपन कर दिया है, आप भी इंस्टॉल करके ओपन कर देते हो तो यहाँ से इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ये नेट पर चलने वाली एप्लीकेशन है, आपको इंटरनेट चाहिए इसके लिए। तो देखो यहाँ से स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है, लेकिन हाँ इसके पहले भी आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी, बेसिक की सेटिंग्स जिसके हिसाब से आपको ये टोटल इंटरफेस है वो चेंज करके एकदम सिंपल दिखाई देगा। तो यहाँ से हमें सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। तो सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो सेटिंग दिख रही है वो ही आपको सेट करनी है, जैसे कि यूनिट को आपने को किलोमीटर के ऊपर क्लिक करना है, सेट करना है, और स्पीड को आपने को यहाँ से या स्पीड या पेस है इसको आपने को स्पीड पर सेट करना है। साउंड, आप साउंड चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज ऑफ भी कर सकते हो। तो यहाँ से लैंग्वेज को हिंदी कर सकते हो और ऑडियो फीडबैक यहाँ पे आपको डिस्टेंस करना है और फीडबैक एवरी यानी कि आपको 1 किलोमीटर या आपके हिसाब से आपको यहाँ से सेट करना है। और ये सब प्रोसेस होने के बाद अपने को यहाँ से होम के ऊपर क्लिक करना है और होम के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो काउंटडाउन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आप लोगों को ऐसा इंटरफेस या कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसके आप 0-0 आप सभी वैल्यू दिखाई देते होंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद कुछ खाली यहाँ से काउंटडाउन शुरू होगा, गो टू काउंटडाउन, यहाँ पे 9, 8, 7 ऐसा कुछ काउंटडाउन शो होगा। तो तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 3, 2, 1 बिगिनिंग वर्कआउट। यहाँ पे आप टाइम से देख सकते हो, यहाँ पे आपको टाइम शो कर रहा होगा कि आपके चल रहा है टाइम। तो उसके बाद यहाँ पे स्पीड, करंट स्पीड किलोमीटर यानी कि आपका जो करंट चल रहा है उसका स्पीड क्या है इन किलोमीटर में आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे आपका टोटल किलोमीटर कितना हुआ है चलकर वो दिखाई देगा। फिलहाल मैं घर पर ही वीडियो ये क्रिएट कर रहा हूँ इसलिए आपको यहाँ पे डैश डैश दिखाई देगा क्योंकि मैं सीधा बैठ चुका हूँ यहाँ पे, कुछ चल नहीं रहा। तो इसके बाद यहाँ से लॉक करना है और लॉक करने के बाद आप जब जाओगे वहाँ पे ये लॉक हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसा करना है, फिर से एक बार स्टार्ट होगा यहाँ से, पॉजिंग वर्कआउट, हाँ यहाँ पे स्टॉप होगा। तो आपको ये बस यही फिलहाल सेटिंग थी सिंपल सी, आप उस पर एप्लीकेशन का यूज़ करोगे तब आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा डे बाय डे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ और वीडियो को लाइक कर दो। चलो जय हिंद दोस्तों।